सीटो जिला कमेटी शिमला ने बालजी प्रबंधन द्वारा मजदूरों को उनकी आर्थिक देनदारियां न देने के खिलाफ सैकड़ों मजदूरों के साथ बालजीज के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। मजदूरों ने कई घंटे तक जोरदार नारेबाजी की व धरने पर बैठ के इस दौरान मारोड़ मजदूरों के नारों से गूंज उठा। सीटू ने बालजीज प्रबंधन द्वारा मजदूरों की वित्तीय देनदारियों के करोड़ों रुपए हड़पने की कड़ी निंदा की है। सीटू ने उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश से मजदूरों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए हस्तक्षेप करने व 12 जुलाई 2018 के अपने ही आदेशों को लागू करवाने की मांग की है। सीटू ने बालजीज प्रबंधन को जताया है कि अगर उसने मजदूरों की वित्तीय देनदारियां ना दी तो फिर प्रबंधन को मजदूरों के आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। सीटू जिला महासचिव विजेंद्र मेहरा ने कहा कि बालजीज में मजदूर पिछले 43 वर्षों से कार्यरत है। उन्होंने पूरी जिंदगी इस बालजीज के व्यापार को ऊंचाइयों तक ले जाने में लगा दी। इसके बावजूद आज बालजीज प्रबंधन मजदूरों के अधिकारों को देने से आनाकानी कर रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन से मांग की है कि वे हिमाचल उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना करवाए व उसकी अवहेलना करने पर बालजीज प्रबंधन पर कॉन्ट्रैक्ट और कोर्ट एक्ट के तहत न्यायालय की अवहेलना करने का मुकदमा दर्ज करे व कानूनी कार्रवाई अमल में लाए। आज जो धरना प्रदर्शन किया गया है बालजीज रेस्टोरेंट के बाहर, इस बात को लेकर किया गया है, जैसा सबको ज्ञात है कि बालजीज रेस्टोरेंट जो है 15 तारीख को बंद होना निश्चित हुआ है कोर्ट के ऑर्डर के बाद, और जो इसके मालिक हैं, प्रबंधक हैं, वो 15 के बजाय 10 को बंद कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि 40 वर्षों से जो मजदूर काम कर रहे हैं, पूरा जिंदगी जिन मजदूरों ने इस रेस्टोरेंट को बनाने में दी, इसको चलाने में दी, इसका एक ब्रांड स्थापित किया, एक नाम स्थापित किया, आज जो मजदूर यहाँ पर लगभग 63 मजदूर काम करते हैं, उनको कोई भी बेनिफिट जो कानून के तहत मिलना चाहिए वो यहाँ के प्रबंधक नहीं देना चाहते। कानून में इस बात का प्रावधान है कि जब जो है मजदूर की छटनी होती है, कोई उद्योग बंद होता है, क्लोजर होता है और मजदूर की छटनी की जाती है, तो उसको हर साल में 15 दिन के हिसाब से छटनी भत्ता मिलता है, वो छटनी भत्ता प्रबंधक नहीं देना चाहते हैं। इसके साथ साथ बोनस का प्रावधान है, वो बोनस का पैसा नहीं देना चाहते हैं। 1 महीने की नोटिस पे का प्रावधान है, वो पे नहीं देना चाहते हैं। मजदूरों ने बड़ी कड़ी मेहनत से जो ग्रेचुटी अपने हिस्से में जो ली थी कानून के तहत, जो उसका हिस्सा बनता है ग्रेचुटी में, उसका जो हक बनता है, ये भी पूरे 1 साल के अंदर जो है लगभग ये मान के चलिए 15 से 18 दिन के बीच में इसका जो है पूरा बनता है। तो कुल मिलाकर जो एक एक मजदूर का जो लाखों लाखों रुपए है, और जो हमने कैलकुलेट किया है इन 63 मजदूरों का लगभग 2 करोड़ रुपया, जो कानून के अनुसार 2 करोड़ रुपया मजदूरों को मिलना है, उसको जो है ये प्रबंधक नहीं देना चाहते हैं। एक तरह से पूरे कानून की हत्या कर रहे हैं, संविधान की हत्या कर रहे हैं, इसीलिए हमने धरना प्रदर्शन किया है। और आज डीसी महोदय से और एसपी महोदय से हमारी ये अपील रहेगी कि लेबर ऑफिस ने इस बात पे जो है समझौता वार्ताएं चलाई थी, लेबर ऑफिस ने डायरेक्ट किया था इनको, ये कानूनी चीजें हैं ये देनी पड़ेंगी, लेकिन लेबर ऑफिस के ऑर्डर को इन्होंने नहीं माना। हमारा डीसी और एसपी से आग्रह है कि वो हस्तक्षेप करें, मजदूरों को न्याय प्रदान करें, नहीं तो ये आंदोलन जो है आगे बढ़ेगा। आदर्श हिमाचल के लिए शिमला से प्रियंका चौहान।